संडे जो कि आप लोगों के लिए है फंडे। वन आ मुझे लिफ्ट में लाई थी धूप में। सो देखो ट्रैवलिंग में पैसे के साथ भी कर सकती हूँ। नो इट्स अ गवर्नमेंट प्लेस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हमारी फ्रेश मॉर्निंग हो गई है और मैंने स्टे किया था यहाँ पे होटल में। यार यहाँ पे ना कन्याकुमारी में कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी मुझे, तो फिर मुझे होटल लेना पड़ा। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो चलो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम निकल गए हैं। तो ये रहा रोड और एक्चुअली ये हाईवे ही है, ठीक है, कन्याकुमारी का एक ही हाईवे है, सो ये मेन हाईवे ही है। तो अभी निकलते हैं आगे की ओर और आगे जाके सोचते हैं कि आगे आसपास क्या करना है, किधर जाना है। अभी तो कुछ दिमाग नहीं चल रहा, सुबह रोज उठ के बस यही सोचना पड़ता है अब किधर का लिए निकलना है। तो चलो अभी थोड़ा सा निकलते हैं और पता करती हूँ कहाँ जाना है और आपको ही बताती हूँ। ओके सर चलो। तो आज का मेरा प्लान है मदुरई होके चेन्नई के लिए, तो चेन्नई पहुँचना है। अब कितने दिन में पहुँचेंगे वो नहीं मालूम है, बस अभी यहाँ से निकले हैं तो चलो देखते हैं। मैक्सिमम 3 दिन तो लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। सो आज डे वन है तो लिफ्ट लेते हैं। एक्चुअली यहाँ से लिफ्ट नहीं मिलेगी, आगे से मिलेगी। उधर आगे चलते हैं, लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेके आपको मिलते हैं। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, मुझे अभी पता चला है कि आज है संडे जो कि आप लोगों के लिए है फंडे और हमारे लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये फंडे के दिन सब फन करती होती है पब्लिक। और देखो पूरा क्वाइट रोड है, अभी हमारे लिए मुश्किल हो गया, लिफ्ट नहीं मिलेगा आज। सो बस अभी तक चल रही हूँ मैं, लिफ्ट नहीं मिला अभी तक और धूप बहुत ज़्यादा है। कन्याकुमारी पीछे छूट गई है, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कब तक चलना है, कब तक लिफ्ट मिलेगी और आपसे मिलते हैं वापस। सो फाइनली लिफ्ट मिल गई है, अन्ना ने लिफ्ट दी है, थैंक यू अन्ना। और चलो हाईवे तक का लिफ्ट मिला है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है लिफ्ट लेना, लेकिन चलो आफ्टर वन आ मुझे लिफ्ट मिला ही थी धूप में। सो वहाँ पे चलती हूँ वापस, वहाँ उतर के चेन्नई के लिए वापस हिचहाइकिंग स्टार्ट करेंगे। सो ये देखो अभी पहुँच गए यहाँ मेन हाईवे पे और यहाँ पे ये चाय की चुस्के लगा रहे हैं और पीछे दिख रहा है डेफिनेटली जितने भी वीडियोस देख रहे हैं ना सारे लोग वो जो गोल घूम रहे हैं उससे घूमे होंगे, बोल रही हूँ सॉरी खेले होंगे, है ना। अभी मैं भी जाऊँगी खेलने, चाय पी लूँ पहले फिर। तो चलो अभी चाय पीते हैं और फिर यहाँ से चेन्नई का हाईवे लेते हैं और चेन्नई के लिए निकलते हैं। तो चलो अभी हाईवे पे आ गए मेन और ये देखो ऊपर हाईवे है और शायद कोई आगे खड़े है लिफ्ट के लिए। तो चलो अभी जल्दी दौड़ के उधर जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कहाँ तक का लिफ्ट मिलता है, मिलते हैं आपसे। सो चलो हमें लिफ्ट मिला है और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है मुझे डायरेक्ट का लिफ्ट मिला है, लाइक फ्रॉम हियर टू डायरेक्ट चेन्नई। सो लेट्स गो। सो चलो हम तो आराम कर रहे हैं, अभी तो चेन्नई बहुत दूर है, लाइक 700 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो पता है क्या, मुझे किसी ने बोला लिफ्ट लेते हो तो आप पैसे क्यों खर्च नहीं करते, तो पैसे नहीं है जो खर्च कर रहे हो। तो मैं उन्हें एक बात बोलना चाहूँगी, ठीक है, उन्हें क्या मतलब नॉर्मली बात बोलना चाहूँगी, स्पेशली उनके लिए नहीं है वैसे ये। सो देखो ट्रैवलिंग मैं पैसे के साथ भी कर सकती हूँ और कहीं भी जाके बैठ जाऊँगी, ठीक है, लिफ्ट ले नहीं सकती मतलब पैसा खर्चना है, कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं लोगों से मिलूंगी नए नए लोगों से नहीं। और मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, ट्विस्ट चाहिए कुछ, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो उसमें कुछ ट्विस्ट होना चाहिए कि मेरे में क्या अलग है जो मुझे बनाता है कि हाँ मैं कुछ अलग कर रही हूँ ट्रैवलिंग में। तो मुझे लगा कि मैं लिफ्ट लेके जाऊंगी, ट्रैवलिंग करूंगी बिना पैसे, जो मुझे लोगों से अलग बनाता है, ठीक है। तो बस उसी वजह से मैंने ये चूज किया है। तो मुझे खुशी है कि मैं लिफ्ट लेके जाती हूँ, पैसे भी बच रहे हैं प्लस मेरा एडवेंचर हो रहा है और मुझे मजा आ रहा है। तो बस इसीलिए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं पैसे बर्बाद करूँ या ना करूँ और मैं लिफ्ट लेके जाऊँ या कैसे भी जाऊँ। आप लोग सुकून से बैठ के मेरा वीडियो देखो। चलो आपसे मिलती हूँ। तो चलो यहाँ पे मदुरई उतर गए और नियर बाय एयरपोर्ट है। एक्चुअली लिफ्ट मिला था डायरेक्ट का चेन्नई का, लेकिन वो अभी और 7 आवर्स हो रहे थे तो रात हो जाती, मतलब 11:30 राउंड वहाँ पे हम पहुँचते। और रात को फिर यू नो स्पेस ढूंढना बहुत हार्ड है और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। सो अभी यहीं पे उतर गए और यहीं पे एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप। सो ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे जगह मिल जाए और परमिशन मिल जाए। तो चलो अभी देखती हूँ, अगर मिलती है परमिशन तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर कहीं देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ट्राई करती हूँ। चलो तो चलो हम मदुरई में यहाँ रुके थे लेकिन यहाँ पे जगह नहीं मिल पाई मदुरई में,
यार ये पूप है, जब बात कर दी तभी होना है। चलो अभी यहाँ पे जगह नहीं मिली है मदुराई में, तो अभी वापस लिफ्ट लेती हूँ, थोड़ा आगे चलती हूँ। आगे अगर कुछ है पेट्रोल पंप नियर बाय तो फिर वहीं पे स्टॉप कर लेंगे। और वाह सनसेट का टाइम हो रहा है देखो ये। चलो लिफ्ट लेते हैं और आपसे मिलते हैं। चलो फिर आ गए पेट्रोल पंप पे, तो चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, मिल जाए तो ठीक है। जगह वैसे यहाँ पे है, मिल जाने की चांसेस भी है, लेकिन अभी पता नहीं, नॉट श्योर। एक्चुअली आज संडे है तो मैनेजर जितनी भी है सारे रेस्ट पे, हमारे जैसे सारे वेले बैठे भी है, तो चलो अभी परमिशन लेकर आपसे मिलते हैं। चलो यार यहाँ पे भी परमिशन नहीं मिली यार, भारत पेट्रोल पंप है ना, वो परमिशन जल्दी नहीं देते यार। मोस्ट ऑफ जगह अभी भी गई थी भारत पेट्रोल पंप, तो परमिशन नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला यार। यार HP का होगा, इंडियन का होगा ना, तो हेल्प करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुंह पे मारते, मतलब कि नो इट्स अ गवर्नमेंट प्लेस, सो वी नो इट्स अ गवर्नमेंट प्लेस, दैट इज वाई वी केम टू आस्क यू, बिकॉज ये रूल है, लाइक आप कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो आप जा सकते हो और कहीं भी स्टे कर सकते हो, अनलेस यू आर नॉट डूइंग एनी बैड थिंग, चाहे वो रोड पे हो, पेट्रोल पंप हो, पार्क हो, मेन हाईवे हो, टोल हो, एनी प्लेस आप जा सकते हो। और अगर आपको कोई परेशान भी करता है तो आप उन्हें बोल सकते हो, इट्स अ लॉ, जहाँ तक गलत काम नहीं करते यू कैन स्टॉप अस टू सीट। सो चलो यहाँ तो परमिशन नहीं मिले, आगे चलते हैं, बहुत भाषण दे दिया मैंने, चलते आगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रैवलिंग की दौरान ना, मतलब कुछ ऐसे लॉ होते जो समझना होते, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अभी आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो ये देखो फिर हाईवे पे आ गए हैं, और ये देखो यार यहाँ के साइड पे ना सारी जगह जो सनसेट होता है ना, इतना ऑसम है यार, ये देखो। चलो अभी लिफ्ट लेते हैं और मिलते हैं आपसे वापस, बस आपको सनसेट दिखाना था तो आ गई, अभी लिफ्ट लेती हूँ वापस। तो ये देखो अभी रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, हाईवे पे अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है, ना रहने का ठिकाना है। चलो देखते हैं आगे, अच्छा क्या प्लान है कुछ मालूम नहीं है, चलो देखते हैं। सो चलो अभी चल ही रहे थे, और ये भैया है जिन्होंने हमें लिफ्ट दी, और ये भैया है तो एक्चुअली रोड पे थे और ये लोगों ने स्पेशली स्टॉप किया है, थैंक यू ब्रो। तो चलो अभी ये लोग हमको पेट्रोल पंप पे लेके आए, तो अभी यहाँ पे परमिशन मांगते, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस आगे चलेंगे। चलो परमिशन मांगती हूँ। तो चलो फाइनली हमें जगह मिल गई है, और मैंने टेंट भी डाल दिया, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी उसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई टेंट डालने के लिए, लेकिन अभी बस जगह मिल गई और बैठे। तो चलो अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तो वहाँ तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, बाय।